कंस्ट्रक्शन वर्कर्स लेबर यूनियन लेबर चौंक सेक्टर 44 चंडीगढ़ की ओर से आयोजित विश्वकर्मा दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर भारत सरकार के राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू और भारत सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता व पूर्व सांसद सत्यपाल जैन मौजूद रहे। कार्यक्रम के बारे में सूचना देते हुए प्रधान रामलाल ने बताया कि शनिवार सुबह सभी लोगों ने भगवान विश्वकर्मा की विधिवत पूजा अर्चना पर हवन कुंड में आहुतियां डाली। फिर उसके बाद कार्यक्रम में आए गणमान्य लोगों द्वारा मुख्य अतिथि और उपस्थित लोगों का सम्मान किया गया। इसके बाद वहां मौजूद मजदूरों व अन्य लोगों ने रंगारंग कार्यक्रम का जमकर लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि भारत सरकार के राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू ने कहा कि आज के बहुत ही पावन पवित्र दिन की बहुत बहुत बधाई हो। भगवान विश्वकर्मा हमारे सब के ऊपर कृपा करें, सारे खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, खुशहाल रहें, हर के घर में खुशियां हैं। पर मुझे ऐसा भी लगता है कि भगवान जो हैं वो कीर्तियों में बसते हैं, जिनके खून पसीने से ये दुनिया चलती है। जब सृष्टि ने सृष्टि की रचना की तो इस सृष्टि को साजने के लिए, सजाने के लिए उन्होंने भगवान विश्वकर्मा को यहाँ पे भेजा, और जिनके आने से, जिनकी कृपा से आज ये पृथ्वी एक बहुत अच्छी दुनिया में तब्दील होगी। आप देखेंगे कितने हजारों मील तक जाके भी देखेंगे तो दुनिया बसी हुई आपको नजर आएगी, लाखों मील तक बसी हुई नजर आएगी भगवान विश्वकर्मा की कृपा। वहीं मौके पर मौजूद भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर व भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यपाल जैन ने कहा कि आज विश्वकर्मा दिवस के शुभ अवसर पर लेबर चौक में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हर वर्ष पिछले लगभग 33 वर्षों से मैं इस कार्यक्रम में आ रहा हूँ। श्री रामलाल जी और उनकी सारी टीम बहुत ही सुंदर ढंग से कार्यक्रम मनाती है। 5,000 से भी ज्यादा मजदूर हर वर्ष इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। मैं उन सभी मजदूरों को इसके लिए बधाई देता हूं। चंडीगढ़ में मजदूर भवन बने, जैसे उद्योग भवन है, व्यापार भवन है, ऐसे ही मजदूरों का भी भवन बने। हम इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द हम इसमें कामयाब होंगे। मैंने कहा मजदूरों से हमको सीखना चाहिए, कभी अहंकार में मत आइए, संतोष में रहिए, अपने जीवन में जो भगवान ने दिया उसके लिए उसका शुक्र करिए। अगर जीवन में ये हम अपनाते हैं तो बहुत सारे दुख कष्टों से हमको मुक्ति मिल सकती है। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा, पूर्व अध्यक्ष अरुण सूद, बीजेपी पार्षद दिलीप शर्मा, समाज सेवी सोनी गोयल व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।